ये बटाना थोड़ा सा मैं छील ली हूँ, अच्छे एकदम ताज़े ताज़े बटाना थे। और ये बटाना, ये प्याज, जितना बटाना है उतना ही प्याज ली हूँ मैं, तो इसी का आज नाश्ता बनेगा शाम का। अभी कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, ये तेल ऐसा लाल लाल है ना, कल चिकन फ्राई करी थी मैं, उसी का बच गया था तो मैं डब्बे में डाल दी थी, तो ये अभी यूज़ कर लूँगी। तो अभी इसको मैं प्याज हरी मिर्ची को इसमें डाल दी हूँ। इसको ना पकाना नहीं है पूरा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा फिर इसमें मैं बटाना डाल दूँगी, तो इसको थोड़ा सा पकाऊँगी बस, जब तक प्याज नरम हो जाए तभी तक। एकदम आसान है ये बनाना, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, अच्छा खासा शाम का नाश्ता भी हो जाता है। और अभी ना दिखाती हूँ, चाय बन रहा था, दूध फट गया, पता नहीं अदरक डालने की वजह से फटा कि क्या, रोज़ तो बनता है लेकिन आज अदरक डालते चाय फट गया। देखिए पूरा इसमें ना थोड़ा नमक डाल दूंगी पहले, प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। इसमें मैं ना पोहा भून के डालूंगी, ये ऐसा खाली भी खा सकते हैं आप, लेकिन आज मेरा दिल है कि मैं इसमें पोहा मिक्स करके खाऊं, बताऊंगी पोहा भी भूनूंगी। तो अभी सॉफ्ट हो गया है, देखिए इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसको अभी बटाने को डाल दूँगी। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी कि बटाना जो है ना गल जाए, पक जाए बटाना अच्छे से। देखिए नमक तो पहले डाल दी, अभी इसको ढक के स्लो ताव पे बटाने को पका लूँगी। ये पोहा है, इसको मैं तेल में फ्राई करूँगी, देखिए ऐसे छानूंगी तेल में, तेल गरम करने को रख दी हूँ। और अभी इधर बटाना मेरा बन रहा है, स्लो ताव की हूँ, इसका पानी एकदम सूखा देना है। तो अभी तेल गरम हो जाता है, देखती हूँ, अभी सही से हुआ नहीं है, एकदम अच्छे से तेल गरम हो जाएगा ना डालने का, तुरंत निकालने का। अभी ना तेल गरम हो गया है, इसको इसमें डालूंगी छन्नी में, उसके बाद इसको ऐसे करके तलूंगी। देखिए एकदम ये फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लूँगी, इसी तरह कर करके सब फ्राई करते जाऊँगी। फिर इसको अच्छे से झाड़ देना है, फिर से इसमें डालूँगी थोड़ा सा, फिर ऐसे क्या है कि जलता नहीं है, नहीं ऐसे तो डाल देने पे छन्नी में निकालते निकालते जल जाता है, इसमें रहता है तब ना, तेल में डालो और निकालो, परेशानी नहीं होती निकालने में। ये देखिए पूरा मैं ये कर ली हूँ, इतना बचा ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, ये सब है ना जब फ्राई कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा एकदम कुरकुरा हुआ है। देखिए
अब ये ऐसे भी चाहें आप तो खा सकते हैं, इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर थोड़ा नमक छिड़क के उसको मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो मैं तो ये मिक्स करूँगी इसमें, अभी थोड़ा इसका पानी सुखा लूँगी। और ये भी तैयारी है, तो इसमें तो नमक डाली हूँ मैं, इसमें नहीं डाली हूँ, तो ये ऐसी फ्राई की हूँ तो इसका नमक इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपको कम लगेगा तो आप अपने हिसाब से डालकर खा सकते हैं। इसको थोड़ा सुखा लूँगी। और ये अभी मेरा बन गया है, गैस बंद कर दी, अभी इसको इसमें डालना है। ये देखिए, अभी इसको डाल के इसको चम्मच से ऐसे ऐसे मिक्स कर दूँगी। चल मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा मिक्स कर ली हूँ, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी भी चूरा एकदम कुरकुरा ही है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब नाश्ते के लिए। सुबह के नाश्ते में भी चाय के साथ खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ।